हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। तो एस्परजिलस एक फंगस है, इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एस्परजिलस से रिलेटेड उसका माइसीलियम और भी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस किए हैं, वो पार्ट वन के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। तो डियर, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो एस्परजिलस हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। मींस ये तीनों टाइप्स है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन एंड स्क्लेरोशिया के थ्रू, असेक्सुअल जो कि कोनिडियोफोर के थ्रू, एंड सेक्सुअल जो कि ओगैमेट्स टाइप का, सेपरेट गैमेट्स बनते हैं उनमें, इस टाइप का ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, द वेजिटेटिव माइसीलियम। इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव माइसीलियम है, मान लीजिए कोई माइसीलियम है एस्परजिलस का, देन यहाँ से ये ब्रेक हो गया छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में, और ये ईच फ्रेगमेंट, सभी के सभी फ्रेगमेंट जाकर के ग्रोथ कर गए इंडिपेंडेंटली और एक न्यू थैलस का रिकॉग्निशन किया या बनाया, उनको ऑर्गेनाइज किया, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे भी देखिए, द वेजिटेटिव माइसीलियम ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इंडिपेंडेंटली इनटू अ न्यू थैलस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है स्क्लेरोशिया के थ्रू। स्क्लेरोशिया में क्या होता है, कुछ स्पीसीज होते हैं जैसे एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस टेरस प्रोड्यूस स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स की तरह ही होते हैं, बर्ड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्क्लेरोशिया कहते हैं। इट मोर मीन्स ऑफ कीपिंग द फंगस अलाइव देन प्रपगेशन, मतलब प्रपगेशन की प्रोसेस के थ्रू फंगस को अलाइव रखना, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। तो ये क्या करते हैं, स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करते हैं और वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके एक नया थैलस बना लेते हैं। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली कोनिडियोफोर के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ओके, छोटे छोटे कोनिडियम बनते हैं, कोनिडियोफोर्स बनते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उन्हें हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और वही असेक्सुअली ग्रोथ करते हैं। कुछ फंगस होते हैं, सम सेल्स ऑफ द फंगस एंड आर नोन एज फूड सेल्स। क्या होता है, आप इससे पहले एक जो मेरा इसके पहला वाला वीडियो है उसे ज़रूर देखें, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, माइसीलियम के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, ठीक है, इसमें जो ये है नीचे के स्ट्रक्चर्स, इन सेल्स को हम कहते हैं फूड सेल्स। ओके, तो जो कुछ सेल्स हैं नीचे के स्ट्रक्चर के, उन्हें हम कहते हैं फूड सेल्स। अब क्या होता है कि ईच फूड सेल प्रोड्यूस अ स्पेशल इरेक्ट ब्रांच एज एन आउटग्रोथ। ये जो फूड सेल्स होते हैं ये आउटग्रोथ ब्रांच की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, निकालते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं यंग कोनिडियोफोर, इट इज़ द यंग कोनिडियोफोर। जैसे ये जो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये है स्ट्रक्चर, देन यहाँ से ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, यहाँ से ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से ये स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो ये सब क्या हुए, कोनिडियोफोर्स, ये कोनिडियम है, कोनिडियम में छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें कोनिडियोफोर्स कहेंगे। तो डियर क्या होता है कि जो टिप है कोनिडियोफोर का, द टिप ऑफ द कोनिडियोफोर्स स्वेल्स अप इनटू एन ऑन इलेप्टिकल और ग्लोब्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट हेड कॉल्ड वेसिकल। जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए ये फूड सेल्स थे, एक ब्रांच स्ट्रक्चर इसने ग्रोथ किया और इसे ही हमने कोनिडियोफोर कहा, इसे, देन ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी, ये स्वेल्स अप होगी, ठीक है, इसे हम मल्टी न्यूक्लिएट हेड होगा जिसे हम वेसिकल कहेंगे, ठीक है, जो कि फॉर्म करेगा बहुत सारे ट्यूबुलर आउटग्रोथ को जिन्हें हम स्टेरिग्मेटा कहते हैं। इससे पहले माइसीलियम के स्ट्रक्चर को भी मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इट फॉर्म्स मैनी रेडियली अरेंज ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड स्टेरिग्मेटा एंड फाइलेट्स। जो स्टेरिग्मेटा है इसे हम फाइलेट्स भी कहते हैं। कुछ स्पीसीज में कुछ जो प्राइमरी स्टेरिग्मेटा है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर निकला है, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी स्टेरिग्मेटा हो गया, ये यूनिसीरियट होता है, और जो सेकेंडरी स्टेरिग्मेटा होता है वो कैसा होता है, बाइसीरियट होता है। बाइसीरियट का मतलब है कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, देन
और यूनिसेल्यूलर का मतलब है कि एक ही पार्ट में एक ही स्ट्रक्चर होती है, एक ही ब्रांच होती है। ओके तो डियर अब हम बात करते हैं कोनेडिया की। तो अगर हम कोनेडिया की बात करें तो कोनेडिया इज फॉर्म फ्रॉम कोनेडियम वर्ड, सिंगल एक वर्ड है कोनेडियम, उसके थ्रू ही रखा गया है इसका नाम कोनेडिया, ठीक है, जो कि अराइज होता है एक्सोजिनसली फ्रॉम द स्टेरिगमाटा। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, यहाँ ये स्ट्रक्चर स्टेरिगमाटा हो गई जो यहाँ से अटैच है, देन ये स्ट्रक्चर। ओके तो कोनेडिया कहाँ से, स्टेरिगमाटा से या फाइलेट से अराइज होता है, जो जिसे हम कोनेडिया को फाइलियोस्पोर्स भी कहते हैं, ठीक है, कोनेडिया और ऑल्सो कॉल्ड फाइलियोस्पोर्स और फाइलोकोनेडिया। ओके और जो एब्स्ट्रैक्शन मेथड है उसके थ्रू जो कोनेडिया है ये एक बाइसेपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहाँ पे, हाँ यहाँ बता देती हूँ, ये स्ट्रक्चर है, देन यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, छोटे 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 कोनेडियम ऐसे अरेंज्ड होते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ भी ब्रांचिंग निकलेगी और यहाँ पर भी छोटे छोटे कोनेडियम अरेंज्ड होंगे। ओके तो ये स्ट्रक्चर होती है, तो इसी स्ट्रक्चर को या इसी अरेंजमेंट को हम बेसी पेटल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। जो यंगेस्ट कोनेडियम है वो होता है बेस पे, कहाँ पे, द यंगेस्ट कोनेडियम इज एट इट्स बेस एंड द ओल्डेस्ट एट द टिप। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फाइलेट है, देन ये देखिए स्ट्रक्चर निकल रही है कोनेडियम की और ये फर्स्ट कोनेडियम है, तो मैच्योर कोनेडियम ऊपर है, देन अब इमैच्योर कहाँ है, नीचे है। एक बार आप इसके स्ट्रक्चर को फिर से देख लीजिए, तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये यंग फाइलेट है, देन ये देखिए धीरे से यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर निकला जिसे हम कोनेडियम इनिशियल कहेंगे, देन ये क्या हुआ देखिए ब्रोकन फाइलेट वॉल, ये जो वॉल है ये ब्रोकन फाइलेट वॉल है और ये न्यू वॉल है, ये फाइलेट से छोटा सा कोनेडियम अराइज हुआ, देन फर्स्ट कोनेडियम बन गया और सेकंड कोनेडियम यहाँ पे इमैच्योर कोनेडियम बनने लगा, ये फाइलेट थी स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे ये देखिए ये जो बीच का स्ट्रक्चर होता है इसे हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर ये फिर मैच्योर हुआ, ये मैच्योर कोनेडियम है, ये मैच्योर कोनेडियम है और ये इमैच्योर कोनेडियम है। इसी तरह से ब्रांचिंग आगे बढ़ती जाएगी, बनते जाएंगे बहुत सारे कोनेडियम। ओके तो ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया आपको दिखाया। तो डियर क्या होगा, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जो फंक्शन बताया, जो प्रोसेस बताई, वही प्रोसेस होगी। द स्टेरिगमाटा एलोंगेट एट द टिप टू फॉर्म अ ट्यूब, द कोनेडिया आर फॉर्म्ड इनसाइड दिस, ठीक है, कोनेडिया इनसाइड अंदर बनेंगे, देन द स्टेरिगमाटा आर यूनिन्यूक्लिएट। आपको पता है कि जो स्टेरिगमाटा होता है वो क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए आपको एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोनेडिया द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ फाइलेट डिवाइड माइटोटिकली, आपको ध्यान रखना है कैसे, माइटोटिकली इंटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, किसमें, दो डॉटर न्यूक्लियाई में, वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई पास्ड इंटू द ट्यूब, इट इज द फर्स्ट कोनेडियम, कहाँ पे, फर्स्ट कोनेडियम जैसे आपको देख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ पे देखिए फर्स्ट कोनेडियम, और जो सेकेंड वाला है, एज द फर्स्ट कोनेडियम इज फॉर्म द अपर ब्रोकन वॉल ऑफ द फाइलेट, ठीक है, जो फर्स्ट कोनेडियम बनेगा वो कैसे, अपर वॉल जो ब्रेक होगी, ऊपर की जो वॉल ब्रेक होगी स्ट्रक्चर की, तो वहां पर फॉर्म होगा, ठीक है, और सर्व करेगा एज अ कैप अराउंड इट, कैसे, कैप की तरह स्ट्रक्चर, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रही है, यहाँ पे मैं एरो से शो करती हूँ, ठीक है, ये वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में जैसा है वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब क्या होगा डियर, कि जो सेकेंड कोनेडियम है, द सेकेंड कोनेडियम इज फॉर्म बाय द फाइलेट जस्ट बिलो द फर्स्ट, जैसे आपने अभी डायग्राम देखा था, और द साइटोप्लाज्म ऑफ द वूथ ऑफ द कोनेडियम इज कन्फ्लुएंट थ्रू अ नैरो सेलुलर लिंक कॉल्ड इस्मत। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये जो छोटे छोटे कोनेडियम है, अगर हम इन्हें डीप स्ट्रक्चर में देखें, इस तरह से स्ट्रक्चर में होंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बट आपको ध्यान रखना है ये जो बीच का स्ट्रक्चर होगा इसे हम कहेंगे इस्मत, ठीक है, ये होगा इस्मत, और द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इज स्टॉप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनर कोनेडियल वॉल। जो कंटिन्यूटी है साइटोप्लाज्म की, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर जाना कब बंद करेगा, जब कोनेडियल वॉल जो है, इनर कोनेडियल वॉल वो फॉर्म्ड हो जाएगी। ओके द इस्मत बिकम्स एम्प्टी, जो इस्मत होगा वो एम्प्टी होगा, मतलब इनके बीच में कोई भी फ्लूइड नहीं होता, ठीक है, एंड नाउ इट इज कॉल्ड कनेक्टिव। अब इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर होगी जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई भी थिंग नहीं होगी, तो इस स्ट्रक्चर को सिर्फ जोड़े रखने का काम करेगी, उसे हम कहेंगे कनेक्टिव, क्या कहेंगे, कनेक्टिव। ओके
तो अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया कि किस तरह से कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है। तो क्या होता है, कोनिडिया आर स्मॉल ग्लोब्यूल्स यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, मतलब कि यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं कोनिडिया। एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है और बहुत सारे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की कलर की बात करें तो ब्लैक और ब्राउन और येलो ग्रीन हो सकते हैं कलर में इन कलर, और दे हैव टू लेयर्ड वॉल। इनके जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी जो वॉल है ये टू लेयर्ड वॉल होती है। दे हैव टू लेयर्ड वॉल, आउटर लेयर इज थिक एंड स्पाइनी। आउटर जो लेयर होगी वो थिक होगी, काफ़ी मोटी होगी एंड पिगमेंटेड भी होगी, उसमें कलर भी होगा, जैसे मैंने बताया अभी ब्लैक ब्राउन येलो ग्रीन इस तरह के कलर्स भी होंगे, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, एपिस्पोर, ठीक है, एपिस्पेयर भी बोल सकते हैं, एपिस्पोर, ठीक है। वेयर एज द इनर वन इज थिन, कैसा, थिन डेलिकेट एंड इज कॉल्ड एंडोस्पोर। क्या कहेंगे इसे, एंडोस्पोर। कोनिडिया आर डिस्पर्ड बाय पाइन, जैसे जब भी हवा चलेगी तब भी फंगस, ये जो फंगस होगा एस्परजिलस, इसके जो कोनिडिया हैं उसके थ्रू ये फ्लो होंगे या डिस्पर्स्ड होंगे, ठीक है। और डिस्पर्स्ड होने के बाद ये जर्मिनेट करेंगे सुइटेबल सबस्टेटम पे, दे जर्मिनेट ऑन सुइटेबल सबस्टेटम बाय गिविंग आउट अ जर्म ट्यूब। जो जर्म ट्यूब है, एक जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे कोनिडिया स्ट्रक्चर थे, देन किसी सबस्टेटम पे ये कोई सबस्टेटम था वहाँ पे जाकर के अटैच हुए, वहाँ पे एक छोटी सी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है, जर्म ट्यूब जिसे हम कहेंगे। द जर्म ट्यूब विकम सेप्टेट, सेप्टा में डिवाइड हो जाएगी, ब्रांच्ड हो जाएगी एंड फॉर्म करेगी माइसिलियम को, एंड फॉर्म्स अ माइसिलियम, ओके। तो इस तरह से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ रेयर अकरेंस। जब कभी कभी रेयर केसेस होते हैं उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। जो मेजोरिटी होती है एस्परजिलस की वो होमोथैलिक होती है, मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस आर होमोथैलिक। होमोथैलिक का मीन्स है कि जो फीमेल गैमेट है और जो मेल गैमेट है वो एक ही प्लांट पे, ठीक है, एक ही माइसिलियम पे प्रेजेंट होगा, सॉरी माइसिलियम पे प्रेजेंट होगा, ओके, एक ही माइसिलियम पे। और हेट्रोथैलिक होती है कुछ स्पीसीज, इसका मतलब है कि जो फीमेल गैमेट है एंड जो मेल गैमेट है वो अलग अलग माइसिलियम पे, अलग अलग एस्परजिलस में प्रेजेंट है, ओके, अलग अलग होस्ट पे है, ठीक है, और या एक ही होस्ट पे हो सकता है लेकिन अलग अलग माइसिलियम में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस, ठीक है, जो कि इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेल सेक्स एंड सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल ब्रांच इज कॉल्ड पैलिनोडियम, ओके। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑर्गन्स इज कॉल्ड एस्कोगोनियम, सॉरी यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडियम एंड द मेल ब्रांच इज कॉल्ड एज पोलिनोडियम, ओके, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम एस्कोगोनियम कहेंगे, एंड जो फीमेल ब्रांच है, क्या फीमेल ब्रांच है, इट इज कॉल्ड एज आर्किकार्प, ओके, आर्चिकार्प भी बोल सकते हैं, आर्किकार्प भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ये हाइफा है, ठीक है, ये कोनिडियोफोर है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उसका, देन ये वेसिकल होती है अंदर के स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, शो हो रही होगी अंदर इधर, इसे हम कहते हैं मेट्यूल, ठीक है, देन जिससे ये अटैच होते हैं वो फाइलेड होते हैं, ऊपर की जो ये स्पेलिकल स्ट्रक्चर है इन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। तो डियर आगे सभी थिंग्स को डिस्कस करने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है एस्परजिलस में, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। आपको आपके एग्जाम में भी डायग्राम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आप डायग्राम पहले बनाएं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, ओके। तो क्या होता है कि देखिए, डेवलपमेंट ऑफ अ वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल है या हाइफी है उसके ऊपर एस्कोगोनियम, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी, देन एंथ्रीडियम बनी, ये कैसा हेट्रोथैलिक स्पीसीज है, मेल और फीमेल हाइफा,
मतलब अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये देखिए नंबर थ्री, कॉन्टैक्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल हाइफा, जो मेल और फीमेल हाइफा हैं ये कॉन्टैक्ट करेंगे, देन फॉर्म करेंगे स्टेराइल हाइफा। स्टेराइल हाइफा इस तरह का होगा कुछ, ठीक है। स्टेराइल हाइफा, ये दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे, देन फ्यूजन के बाद, ठीक है, एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होगा, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बनने लगेंगे, ठीक है। अब जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे। अब जो एस्कोस्पोर हैं, ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इधर से, ठीक है। अब डिस्पर्स्ड होने के बाद, रिलीज होने के बाद, ये बाहर आकर के फिर से वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव हाइफा का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी को अब हम डीपली पढ़ेंगे, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर को। तो क्या होता है कि जो पॉलिनोडियम है, ग्रोप्स अप बिसाइड द आर्किकार्प। जो आर्किकार्प है, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, ठीक है, एक तरफ ग्रोथ कर रहा है पॉलिनोडियम एंड एक तरफ ग्रोथ कर रहा है आर्किकार्प। मैंने आपको बताया था मेल जो होगा उसके सेक्स ब्रांच को क्या बोलेंगे, पॉलिनोडियम, एंड फीमेल के आर्किकार्प, ठीक है। इस तरह के होते हैं ऑन द सेम और एडजेसेंट हाइफी। सेम हाइफी पे भी हो सकता है और अलग अलग हाइफी पे भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा कि ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर में। इट गेट्स स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द आर्किकार्प एंड द आर्क्स ओवर द अपेक्स ऑफ एस्कोगोनियम। जो एस्कोगोनियम है उसके अपेक्स पे आर्क जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एंथ्रीडियम में यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफ्रेंशिएट होता है टू पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट है अपर पार्ट, स्लाइटली ब्रॉडर होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर होता है, मल्टी न्यूक्लियोट होता है और बिहेव करता है एंथ्रीडियम के जैसे, ठीक है। कैसे, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, अपर पार्ट स्लाइटली ब्रॉडर है, यूनिसेलुलर है और मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, सॉरी ये वाले स्ट्रक्चर को, जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर। आई होप अब आपको सही से शो हो रहा होगा। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने एरो किया है, इसे कहेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है। ये कैसा, अपर पार्ट स्लाइटली ब्रॉडर होगा, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होगा और बिहेव करेगा एंथ्रीडियम के जैसे, और जो लोअर है वो यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस पार्ट को हम कहेंगे स्टाक। ये जो नीचे का लोअर पार्ट है इसे हम कहेंगे स्टाक, ठीक है। तो डियर, अगर हम एस्कोगोनियम की बात करें तो आर्किकार्प जो है या आर्चिकार्प जो है वो डेवलप होता है मासीलियम के, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, बी साइड पे होते हैं दोनों, अलग अलग साइड पे होते हैं। आर्चिकार्प डेवलप्स ऑन द मासीलियम इन द फॉर्म ऑफ सेप्टेट लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रही है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर में ग्रोथ करता है। देखिए, आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है। जो यंग आर्चिकार्प है वो डिफ्रेंशिएट होता है थ्री पार्ट्स में, ठीक है। जो फर्स्ट है बेसल मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टाक होगी, ठीक है, ट्राइकोगाइन जिसे हम कहेंगे। स्टाक जो स्ट्रक्चर है इसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, ठीक है। मिडल यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट एस्कोगोनियम होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होगा, एस्कोगोनियम। देन एपिकल यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट रिसेप्टिव ऑर्गेन होगा, जिसे हम कहेंगे ट्राइकोगाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। एट द फर्स्ट आर्किकार्प इज लूजली कॉइल्ड, बट लेटर ऑन द कॉइल अप्रोच नियरर एंड फाइनली टच ईच अदर टू फॉर्म अ कॉर्क स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जो आर्किकार्प है ये लूजली कॉइल्ड होता है, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, तो ये लूजली कॉइल्ड होते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। बट क्या होता है कि जो कॉइल है वो अप्रोच करती है एक ही पास में, जैसे इधर ये कॉइल, फिर ये कॉइल, फिर ये कॉइल, इसी तरह में ये स्ट्रक्चर, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, तो ये तरह की स्ट्रक्चर होती हैं और फाइनली टच करती हैं ईच अदर को और फॉर्म करती हैं। जैसे आपने कोई स्क्रू जब आप देखते हैं तो उस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर की तरफ जो उसका स्ट्रक्चर होता है, देन उस तरह की कॉइल्ड स्ट्रक्चर को ये बना लेती हैं या फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिए अपने उसमें, यहाँ पे ज़्यादा डायग्राम में अच्छा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो डियर, अब है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द टिप ऑफ द आर्चिगोनियम आर्च ओवर द ट्राइकोगाइन, ठीक है, आर्च होता है ट्राइकोगाइन के ऊपर एंड फ्यूज करता है उससे, ठीक है, फ्यूज विथ इट आर्चिगोनियम. द वॉल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिजॉल्व, जो वॉल होगी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे वॉल जो होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी, दस मेकिंग अ कंटिन्यूस पैसेज, जो कि कंटिन्यूस पैसेज ये स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है. देन क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा का या साइटोप्लाज्म का सेपरेशन एक दूसरे से मैच होंगे, अटैच होंगे आकर के, ठीक है. द कंटेंट्स ऑफ द एंथ्रीडियम पास इनटू द एस्कोगोनियम, जो एंथ्रीडियम का कंटेंट है, एंथ्रीडियम के अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है वो एस्कोगोनियम के अंदर जाएगा. द पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस इन एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम के अंदर होगी पेयरिंग. और जैसे जो एक आपका स्पेसीज है एस्परजिलस हार्बोरियोरम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंथ्रीडियम बहुत ही वेल डेवलप होता है और पेयरिंग, जो पेयरिंग है वो एस्कोगोनियम में होती है. कहाँ पर, एस्कोगोनियम में. मैंने आपको एस्परजिलस हार्बोरियोरम का एक एग्जांपल भी बता दिया, ओके. तो डियर कुछ स्पीसीज में ऐसा भी होता है, इन सम स्पीसीज क्या होता है कि एंथ्रीडियम इज वेरी वेल डेवलप्ड बट द मेल कंटेंट्स, जो मेल कंटेंट्स है या मेल जो मटेरियल है वो पास नहीं होता, डू नॉट पास एंड द फ्यूज विद द कंटेंट्स ऑफ द एस्कोगोनियम, वो क्या होता है नहीं हो पाता है, ठीक है. जैसे एस्परजिलस रिपेंस नाम का एक स्पीसीज है, इन स्टिल सम अदर स्पीसीज द एंथ्रीडियम में बी कम्प्लीटली एब्सेंट. कुछ स्पीसीज में ऐसा भी होता है कि एंथ्रीडियम टोटली या कम्प्लीटली एब्सेंट भी होता है, जैसे एस्परजिलस फ्लेवस एंड एस्परजिलस फाइशेरी, ठीक है, ये होते हैं स्पीसीज. सच केसेस कुछ और ऐसे केसेस हैं जिनमें क्या होगा कि जो पेयरिंग है टेक्स प्लेस बिटवीन एस्कोगोनियल न्यूक्लियाई, ठीक है, ये क्या शो करेंगे, डीजनरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन एस्कोमाइसिटीज, जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें डीजनरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स शो करते हैं एस्परजिलस के स्पीसीज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. ये एस्कोमाइसिटीज के मैंने लाइफ साइकिल भी बताया, असेक्सुअल में स्पोर बनेंगे, देन स्पोर से जर्मिनेशन करके माइसिलिया बना लेंगे, वहाँ से कोनिडियोफोर, फिर माइटोसिस, देन फिर से स्पोर, ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एस्कस का फॉर्मेशन होगा जैसे आपको दिख रहा है, देन कैरियोगैमी प्रोसेस, ठीक है, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस होगी प्रोसेस, मियोसिस और सेल डिवीजन होगा, ठीक है, 8 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ये तो आपको पता ही है. फिर न्यू माइसिलियम बन जाएगा, ठीक है, जो डिस्पर्जल के बाद बनेगा, ओके. तो डियर जो एस्कोस्कार्प बनेंगे या एस्कोकार्प बनेंगे, जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर थे उन्हें हमने एस्कोस्कार्प कहा, एस्कोकार्प कहा, तो वो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, ठीक है, वेदर द एंथ्रीडियम इज फंक्शनल और नॉट, चाहे जो फंक्शनल है या एंथ्रीडियम का फंक्शन है वो हो या ना हो, मतलब जो एंथ्रीडियम है वो काम का हो या नहीं हो, ठीक है. तो जो एस्कोगोनियम है, द एस्कोगोनियम इन ऑल केसेस डेवलप्स इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोका, जो कोई भी कंडीशन हो लेकिन जो एस्कोगोनियम है एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसे हम एस्कोका कहते हैं, ठीक है. आफ्टर द पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई की पेयरिंग हो जाएगी, न्यूक्लियस आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जायगोट का फॉर्मेशन बन जाएगा या जायगोट बन जाएगा, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो एस्कोगोनियम है, द एस्कोगोनियम बिकम्स सेप्टेट, ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ वन मेल एंड वन फीमेल न्यूक्लियस, ठीक है. तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, डायकैरियन, जहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डायकैरियन, ठीक है. फ्रॉम दीज डायकैरियोटिक सेगमेंट्स अराइज एस्कोजीनस हाइफी, इन्हीं सेगमेंट से, ये जो डायकैरियोटिक सेगमेंट्स बने इनसे एस्कोजीनस हाइफी अराइज होंगे, ठीक है. जो एस्कोजीनस हाइफा है ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है. ईच एस्कोगोनियस हाइफा इज मल्टी सेलुलर विथ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूस एस्की, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्की बाय क्रोराइजर या क्रोजायर फॉर्मेशन, क्रोजायर बोलेंगे इसे, तो क्रोजायर फॉर्मेशन के थ्रू ये एस्की का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. ये देखिए एस्की बना यहाँ पे स्ट्रक्चर, आई होप आपको शो हो रहा होगा यहाँ,
ये देखिए छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एस्की बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मैच्योर एस्की है, यहाँ पे डेवलपिंग एस्की हो गए, ठीक है, जो कि डिवीजन कर रहे हैं मियोटिक, ठीक है, यहाँ पे ये हाइफा स्टेराइल हाइफा है, ठीक है। तो डियर अब हम देख लेते हैं कि क्रोजायर फॉर्मेशन क्या होता है। तो क्रोजायर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो टर्मिनल बाई न्यूक्लिएट सेल होते हैं एस्कोजीनस के हाइफा के, वो इलोंगेट करते हैं। द टर्मिनल बाई न्यूक्लिएट सेल ऑफ द एस्कोजीनस हाइफा इलोंगेट एंड देन बीन इटसेल्फ टू फॉर्म अ हुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपको ये हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रही है, देन इसी तरह से स्ट्रक्चर डेवलप करती है, ठीक है, जिससे ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे क्रोजायर, नोन एज क्रोजायर, ठीक है। बोथ न्यूक्लियाई डिवाइड इन सच अ वे थिन स्पिंडल अपरेटस आर ओरिएंटेड पैरेलली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो न्यूक्लियाई हैं इनके, जो बोथ न्यूक्लियाई थे, दोनों न्यूक्लियाई थे, ये डेवलप करेंगे कैसे, वर्टिकली, कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, और स्पिंडल एक तरह का अपरेटस बना लेंगे, जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये बेसल सेल्स, देन एस्कस मदर सेल, और यहाँ पे एपिकल सेल जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैच्योर एस्कस बन जाएंगे विद एस्कोस्पोर्स, छोटे छोटे ये जो स्पोर्स इसमें प्रेजेंट है इन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे, ठीक है। ये हमने क्रोराइजर फॉर्मेशन का या क्रोजायर फॉर्मेशन पूरा डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। ए स्ट्रक्चर में देखिए ये स्ट्रक्चर थी, एक हाइफा बना था, वेजिटेटिव हाइफा, देन ये मैच्योर बनाने लग गए हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्रोजायर कहा, ठीक है। यहाँ पे एस्कल मदर वॉल भी बना, देन एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स इस तरह से बने। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है इसमें, देन म्यूसिस हुआ, कैरियोगैमी फॉर्मिंग हुई, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद म्यूसिस प्रोसेस, यहाँ पे दो एस्कस का फॉर्मेशन हुआ, फिर म्यूसिस सेकेंड, यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट हुआ था, देन यहाँ पे म्यूसिस सेकेंड होगा। अब म्यूसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पे माइटोसिस होगी, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे मैच्योर न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर या एस्कस बना लेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो डियर अब क्या होगा, नाउ द सेपरेशन टेक्स प्लेस इन क्रोराइजर एंड इट्स डिफ्रेंशिएटेड इंटू थ्री सेल्स। कैसे जो क्रोराइजर बने, क्रोजायर बने, वो कैसे क्रोजायर डिफ्रेंशिएटेड होंगे थ्री सेल्स में, द टर्मिनल और अल्टीमेट यूनिन्यूक्लिएट सेल्स एंड सब टर्मिनल और पेनल्टीमेट बाई न्यूक्लिएट, जिसमें एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूक्लियर, यहाँ पे नेगेटिव शो होना, आई होप मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। ऑकर्स एट द कर्व पोजिशन, कर्व पोजिशन में होगा यहाँ पे, ठीक है। और बेसल यूनिन्यूक्लिएट एंटी पेनल्टी मेट सेल बनेंगे, यहाँ पे देखिए बेसल सेल्स, ठीक है, ये सब टर्मिनल सेल्स हो गए, इसे हम एस्कस मदर सेल कहेंगे, देन यहाँ पे टर्मिनल या अल्टीमेट यूनिन्यूक्लिएट सेल बने ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो डियर अब क्या होगा, जो पेनल्टीमेट बाई न्यूक्लिएट सेल्स थे वो एक्ट करेंगे एस्कस के जैसे, द पेनल्टीमेट बाई न्यूक्लिएट सेल्स एक्ट एज एस्कस मदर सेल्स, द न्यूक्लियाई इन दीज सेल्स फ्यूज टू फॉर्म डुप्लेट न्यूक्लियस, जैसा मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है इन सेल्स में, ये फ्यूज करेगा, फॉर्म करेगा एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस को, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसे हम कैरियोगैमी कहेंगे। द डुप्लेट न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स म्यूटेटिकली, कैसे डिवाइड करेगा, म्यूटिकली डिवाइड करेगा, फॉर्म करेगा फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई को, कैसे, फॉर्म्स फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, ईच हैप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड्स म्यूटिकली, कैसे, म्यूटिकली डिवाइड होने के बाद एट हैप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, यानी दस एट हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, ओके। तो डियर क्या होगा इसमें, ईच न्यूक्लियस लेटर ऑन गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, जो सभी के सभी न्यूक्लियस थे मैंने बताया आपको, जो बने थे न्यूक्लियस आठ सेल्स के एट न्यूक्लियाई, वो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो जाएंगे, सॉरी, एंड फॉर्म करेंगे एंड डेवलप्स अ वॉल,
वॉल डेवलप करेंगे, दस एट हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स आर फॉर्मड इन ईच एस्कस। क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर थी, उसमें एट स्ट्रक्चर या एस्कस फॉर्म हो गए थे, ठीक है, जिसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ठीक है। द साइटोप्लाज्म लेफ्ट ओवर इन ईच एस्कस, ठीक है, सभी का सभी के अंदर चला जाएगा साइटोप्लाज्म, जिसे हम एपिप्लाज्म भी कहेंगे, ठीक है। ईच एस्कस इज नोन एज एपिप्लाज्म, ठीक है, और एस की जो है वो ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर और पियर शेप्ड की भी हो सकती है, मतलब इस तरह से ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर भी हो सकती है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन पियर की तरह जैसे आपने नाशपाती की स्ट्रक्चर देखी होगी, यहाँ पे मैं बना तो नहीं पाऊंगी अच्छा, बट आपने जिस तरह से नाशपाती की स्ट्रक्चर देखी होगी तो उस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एज द एस्की डेवलप अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल हाइफा ग्रो अराउंड देम, जो एस्की थे वो डेवलप किए और बहुत सारे हाइफाज जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे उनके आसपास और फॉर्म करेंगे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को, जिसे हम पेरिडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जो बाहर की ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे पेरिडियम, ठीक है, और अंदर जो है वो एस्कोस्पोर्स है, ठीक है, पेरिडियम बनी। द एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्कोकार्प, जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे एस्कोकार्प। क्या कहेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। इट इनक्लोज मैनी एस्काई, जिसके अंदर बहुत सारे एस्काई प्रेजेंट होंगे, जैसे आप इस डायग्राम को देखकर पता लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो ये स्ट्रक्चर है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इन्हें हमने कहा एस्काई, ठीक है। इट इज स्फेरिकल एंड हैज़ नो ओपनिंग, इनमें कोई भी ओपनिंग नहीं होगी, ठीक है। सच एन एस्कोस्कार्प इज नोन एज क्लेस्टोथीसियम, आपको ध्यान रखना है कि एस्कोकार्प को हम कहते हैं क्लेस्टोथीसियम। क्या कहते हैं, क्लेस्टोथीसियम, जो ये अंदर स्फेरिकल एस्कोस्कार्प या एस्कोकार्प सॉरी एस्कोकार्प प्रेजेंट है, उन्हें हम कहेंगे क्लेस्टोथीसियम, ओके, ये कहेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो डियर अब हम देख लेते हैं एस्कोस्पोर की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोस्पोर। तो क्या होता है, एज द एस्काई मैच्योर, एस्काई जो बने थे वो मैच्योर होंगे, द एस्कोस्पोर आर सेट फ्री बाय डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल ऑफ द एस्काई इन द एस्कोस्कार्प, ठीक है। जो एस्कोकार्प बना था वहाँ पे जो एस्काई प्रेजेंट थे, यानी जो स्ट्रक्चर ऐसे थी उसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर थे, जहाँ से ये डिसोल्यूशन हो गया या डिस्पर्जल हो जाएगा, यहाँ से मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है, यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे एस्कोकार्प, ठीक है। दे आर लिबरेटेड हो जाएंगे ओनली आफ्टर द डिके ऑफ द एस्कोकार्प वॉल, जब ये वॉल जो एस्कोकार्प वॉल थी ये फटेगी या लिबरेटेड होंगे यहाँ से, ठीक है, ये डिके होगी, खराब होगी, तब यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ईच एस्कोपोर इज पुली व्हील शेप्ड, कैसे, एक आपने देखा होगा पुली व्हील शेप का मतलब है कि जैसे पहिया देखा हो आपने, उस तरह से स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर का मीन्स आपको पता होगा सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होता है, वन न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड अटेन्स अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर का ये डायमीटर एज्यूम करते हैं, 1 माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं, तो ठीक है आप इससे ध्यान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इनकी लेंथ कितनी स्मॉल होगी। तो डियर अब क्या होगा, स्पोर वॉल जो होगी, स्पोर वॉल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर थिक लेयर जिसे हम कहेंगे स्क्लैप्चोरस, ठीक है, जिसे हम एपिस्पोर भी कहते हैं, एंड इनर थिन उसे हम कहेंगे एंडोस्पोर, ठीक है, ये स्क्लैप्टोरस होगी स्ट्रक्चर। आफ्टर फॉलिंग ऑन सुइटेबल सबस्टेटम, जब सुइटेबल सबस्टेटम पे एस्काई आ जाएंगे, ठीक है, ईच एस्कोस्पोर जर्मिनेट करेगा, ईच एस्कोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ जर्म ट्यूब, मैंने बताया था ऐसे एक जर्म ट्यूब बना लेगा, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, जर्म ट्यूब बना लेगा जो कि डेवलप करेगी, विच डेवलप्स इंटू अ न्यू हैप्लॉइड माइसीलियम। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बता दिया। तो डियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।